ट्राइकोडिस्मियम एक प्रकार का मेरीन ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि समुद्र में पाया जाने वाला एक नीले हरे रंग का शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है इनको, हम ठीक है। ये फिलामेंटस होते हैं, फ्री होते हैं, और डाई एजोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस होते हैं अर्थात ये लंबे तंतुवत होते हैं, सेल्स एक क्रम में अरेंज होते हैं। डाई एजोट्रॉप्स का अर्थ है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है N2 गैस के रूप में, उसको हम यूज नहीं कर सकते या प्लांट यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम आयन के रूप में। तो ये जो कैपेबिलिटी होती है, ये इसके कारण इसको डाई एजोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया पढ़ी होगी, तो उससे संबंधित एंजाइम्स ही इसमें पाए जाते हैं। हालांकि इसमें हेटरोसिस्ट नहीं पाया जाता है ट्राइकोडिस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी में। आपने पढ़ा होगा कि हेटरोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन संबंधित माना जाता है, परंतु इसमें हेटरोसिस्ट नहीं होता है, नॉन हेटरोसिस्टस ये मेंबर है, परंतु ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता इसमें होती है। ये समुद्र के पानी में पाया जाता है, और कई बार ये ब्लूम भी पैदा करता है, यानी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करके पूरा कवर कर लेता है एक एरिया को, तो उसको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम, ठीक है। तो ट्राइकोडेसमियम ब्लूम पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जैसे चिल्का लेक में भी देखा गया था, है ना। वहाँ का जो पानी है लेक है, पर ये ब्रैकिश वाटर है, मतलब हल्का सेलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, समुद्र जितना नहीं परंतु नमकीन है। इसमें ट्राइको इरिथ्रियम सॉरी क्या ट्राइकोडेसमियम इरिथ्रियम नाम की स्पीशीज पाई जाती है, जिसको सी सॉडस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये समुद्र में काफ़ी पाया जाता है, और ये समुद्र या सी में पाया जाने वाला जो डस्ट है, जिसमें आयरन ओर हो सकता है ना, आयरन पाया जाता है, तो उससे ये आयरन को उपयोग करने की क्षमता इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करते हैं, और उस डस्ट से आयरन को निकाल कर खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन? ट्राइकोडेसमियम जो ये एल्गी होता है। तो समुद्र में मेरीन वाटर में ये वाटर ब्लूम्स पैदा करने में सक्षम होते हैं, कई बार देखा गया है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी जो पूर्वी तटीय इलाका है भारत का, उसमें भी ये वाटर ब्लूम पैदा करते हुए देखे गए हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये ट्राइकोडेसमियम की स्पीसीज 200 मीटर की गहराई में भी देखी गई है, ठीक है। जैसे ट्राइकोडेसमियम कॉन्टोर्टियम और ट्राइकोडेसमियम थैबेटाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक गैस वेसल्स होता है सेल्स के अंदर, जो कि प्रेशर को सहने में मदद करता है। गैस वेसल्स स्ट्रॉन्गेस्ट माना जा रहा है इसमें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है गैस वेसल्स, इसके कारण से ये 3.5 मेगा पास्कल के प्रेशर को भी सह सकता है, 3.5 मेगा पास्कल के प्रेशर को भी सह सकता है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये 200 मीटर की गहराई में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते ही, काफ़ी गहराई में भी पाए जाते हैं, समुद्र में काफ़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं, खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है, जहाँ पानी थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। इसकी जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज ऑफ मेरीन साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेसमियम इंटरेक्ट विद एसोसिएशन एसोसिएटेड बैक्टीरिया टू एक्वायर आयरन फ्रॉम डस्ट, ठीक है। डस्ट से आयरन को प्राप्त करने के लिए कुछ बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाता है, और उसके कारण क्या होता है कि ट्राइकोडेसमियम काफ़ी मात्रा में आयरन को उपयोग कर पाता है, ठीक है। जैसे रेड सी में भी माना जाता है कि जो रेड कलर है ट्राइकोडेसमियम स्पीसीज के ज़्यादा मात्रा में होने के कारण है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ट्राइकोडेसमियम में एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, जो कि इस समुद्र में पाया जाता है, और फ्री फिलामेंटस होता है, नॉन हेटरोसिस्टस यानी हेटरोसिस्ट नहीं होता इसमें। हेटरोसिस्ट आपने पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनमें एक विशेष टाइप का एक सेल होता है, जिसके कारण एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है।
जिसके कारण वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इतना ही देखते हैं।